सही सुना आपने, ब्रेन आईक्यू टेस्ट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्ट्रेच में। तो गाइस आज हमारे पास कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग आ रखे हैं, वो बैठे हैं अभी दूसरे रूम में, मैं इधर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ गाइस आपके लिए। तो गाइस उनके लिए आज एक सस्पेंस है हमारे पास, आज उनका एक ब्रेन आईक्यू टेस्ट होगा। गाइस सही सुना आपने, ब्रेन आईक्यू टेस्ट। वो कैसे, हमारे पास एक पजल रखी हुई है गाइस, आज हम उनसे ये सॉल्व करवा के देखेंगे। अगर तो किसी ने सॉल्व कर दी तो वो गाइस एक इनाम का हकदार बन जाएगा, अगर तो नहीं हुई तो आज हम उनसे इनाम लेंगे। तो गाइस अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, तब तक हम अपनी पजल को आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आ जाइए गाइस, जूम करिएगा यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम आपके साथ अपनी पजल को शेयर करते हैं। इस पजल को हमने गिलास का शेप दिया है, इसके अंदर रखा हमने कॉइन। इसमें हमने करना क्या है, सिंपली दो स्टिक को मूव करेंगे कि ये सिक्का हमारा इस ग्लास से बाहर आ जाए। वो कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वरना हम वीडियो के लास्ट में इसका जवाब आपको बता देंगे गाइस। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास, उन्होंने जिम जाकर तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच बहुत किया होगा, पर आज हम उनका पजल के साथ दिमाग स्ट्रेच करवाते हैं गाइस। चलो गाइस तो ये है आपका सरप्राइज। क्या बात, आज आपके आईक्यू टेस्ट की बारी है, आज आपका ब्रेन को हम स्ट्रेच कर देंगे। जिम जाकर तो आपने बहुत बॉडी को स्ट्रेच कर ही लिया होगा, आज हमारे साथ अपने दिमाग को भी स्ट्रेच कर लो। आ जाओ, ये आपके लिए मैंने बहुत मुश्किल सी पजल सोची है, मेरे को तो लगता है आपसे नहीं हो पाएगी, पर चलो देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं या फिर नहीं। इधर आ जाओ। हाँ जी, ये देखो कि हमने एक पजल है रखी यहाँ पे, इसको हमने ग्लास का शेप दिया है, इसके बीच में रखा हमने कॉइन, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको दो स्टिक को मूव करना है यहाँ से कि ये कॉइन हमारा इस गिलास से बाहर आ जाए। तो गिलास पर है रहने देना। हाँ, पर इसकी एक कंडीशन है और कि आप इसको सिक्के को टच नहीं करना, स्टिक को कर सकते हैं। स्टिक, दो स्टिक को किसी को भी हिला दो। अच्छा, गिलास आप भी आ जाओ, गिलास पर है रहने देना। आप भी तब तक सोच लो यहाँ पे बैठ के। मैं सोच ही रहा हूँ। बस सोचो। मैं सोच ही रहा हूँ, तुम करो। दो स्टिक के लड़ी। हाँ। सिक्का बार। टाइम, कोई टाइम लिमिट? टाइम लिमिट नहीं है, पर इतना है थोड़ा सा जल्दी। तो गाइस जब तक ये सोच रहे हैं तब तक आप कमेंट में अपना आंसर सजेस्ट कर सकते हैं हमें। तो चलो इनसे पूछते हैं, आ गया समझ में? यार इसमें क्या सोचना, बड़ा तो इजी है, दो स्टिक को मूव कर दो, इस सिक्के को गिलास से बाहर निकाल दो। ये तो स्टिक भी फाड़ दिया आपने ये ग्लास के अंदर रह गया ना फिर तो। ये क्या बना दिया आपने तो गाइस कहीं से ये गिलास से बाहर गया सिक्का, आप कमेंट में बताइएगा क्या ये सिक्का गिलास से बाहर गया। गिलास उल्टा हो गया ना, सिक्का गिर जाएगा। ये ट्रे बनाई है नीचे छोटी सी। नहीं नहीं, अभी गिलास से उल्टा कर दिया, बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा तो गगन भाई चलो आप आगे थोड़ा सा ट्राई कर लो। तो गगन भाई अब आपकी बारी है, देख लो आप पजल को गौर से, वो तो नहीं कर पाए, क्या आप इसको कर पाओगे? ट्राई कर लेता हूं। जल्दी ट्राई करो जल्दी, उन्होंने बहुत टाइम लगाया, आपके पास टाइम ही टाइम था उस टाइम तक सोचने के लिए। चलो एक यहाँ पे, एक हो गई।
ये जल्दी करो अगर भाई लगाने तो लगा तो रहा हूँ अभी। ये गिलास को पोलियो हो गया क्या? इधर से एक गिलास, इधर से दो गिलास, कैसे? एक ही गिलास है, डंडी अंदर आके सिक्का बाहर आ गया। ये क्या, इसमें क्या स्ट्रॉ डाल रखी है हमने? वो भी हो, सिक्का तो बाहर भाई, गिलास की शेप नहीं बिगड़नी चाहिए। गिलास तो गिलास ही, डंडी तो अंदर ही आ गई। एक एक चांस और मिलेगा मेरे को। अब देख लो, आपको दूसरा चांस मिल रहा है, ठीक है? दोनों का एक एक चांस, लास्ट है ये, इसके बाद नहीं मिलेगा। मैं आपको इसमें एक हिंट भी दे देता हूँ। आपको जो मेन स्टिक है ये सेंटर वाली ही लानी है, पर्पल स्टिक को ही लाना है बस। ये हिंट सबसे बड़ा हिंट है, अब भी नहीं हुआ तो कब भी नहीं होगा। कर लो, पहले कौन ट्राई करेगा आप में से? तो जल्दी करो। हो गया। गिलास की सेम भी शेप, ठीक है? उल्टा किया गिलास। सिक्का किधर गया? गिर जाएगा। गिलास उल्टा करो, सिक्का गिर जाएगा। तो दोबारा से ये आपका चांस। उनसे तो सिक्का नहीं गिर पाया, आप गिरा के देख लो, क्या पता बाहर आ जाए। जल्दी करो, इतना नहीं सोचना। ये तो पक्की है ना, ये तो सबसे मेन है, ये नहीं ली तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। पर ग्लास किधर बन रहा है मेरे को ये समझा दो। जा तो बहुत सही रहेगा। ग्लास भी बनाना है, ग्लास भी बनाना, वही तो मेन है। मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से, मेन स्टिक भी बता दी, इतना बढ़िया हिंट भी बता दिया। हाँ आप भी गिलास उल्टा कर दो, गिर जाएगा नीचे। ये क्या बना दिया, ये किसी से नहीं होने वाला। चलो आप बताओ यार, प्लीज आप बताओ। गाइस अब तक आपने भी रिप्लाई अपना कर ही दिया होगा, तो अगर जिन्होंने भी ये देखने के बाद भी कमेंट नहीं करा है तो गाइस अभी कमेंट कर दो, वरना मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। तो ये कैसे होगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ये पहले जैसा हो गया, हमको करना क्या है, ये मेन स्टिक मैंने ये वाली बताई थी, इसको हम मूव करेंगे यहाँ पर। हिला दिया, एक स्टिक हिलाई, ये दूसरी स्टिक है मेरी गाइस, ये दूसरी स्टिक हिलाई और ये आ गई यहाँ पे। गिलास उल्टा ही करना था, पर थोड़ा सा बगल में लेके जाना था, यही इसका सही जवाब था। तो गाइस देखिए, आप देख सकते हो ये सिक्का हमारा इस गिलास से बाहर आ गया, और ये गिलास की शेप भी वैसी की वैसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट तो गाइस आपने कर ही दिए होंगे अब तक। तो गाइस तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस ये तीसरा चांस ले रहे हैं, ये मेरे को बोल रहे हैं कि गिलास उल्टा हो गया, तो इनको तीसरा चांस देते थे, ये अपने हिसाब से कैसे करते हैं। चलो करो करो, कैसे कर रहे हो? एक हो गई, दो लोनी है, दो पर डाल सकते बस। बनाओ। आपने बोला ना मेरे को ये गलत है, तो सही तरीका बताओ, मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, ये सही तरीका कैसे हो सकता है? सही तरीका ये है कि यार ग्लास सीधा रहना चाहिए। सीधा नहीं, मैंने ये नहीं बोला, ग्लास उल्टा किया पर वो सिक्के के अंदर ही था, सिक्का उसके ग्लास के अंदर ही था। मेरे जैसे गिलास में वो उल्टा जरूर था, पर सिक्का हमारा गिलास से बाहर आने से मतलब है हमें। मैंने उनको भी यही बोला ना कि आपका गिलास उल्टा हो गया पर सिक्का उसके बीच में है, मेरा सिक्का बाहर था गिलास से, ठीक है? यही इसका आंसर है। मैंने जो बोला था आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, सिक्का गिलास से बाहर आ जाना चाहिए चाहे जो भी करो, बस दो स्टिक को मूव करके। तो गाइस अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करके भर दीजिएगा।